बैजू बावरा फिल्म महान गायक बैजू के जीवन पर आधारित थी, लेकिन बैजू बैजू बावरा ना बनता अगर तानसेन ना होते। और उस फिल्म में तानसेन की भूमिका निभाने वाले कलाकार ने बहुत प्रशंसा पाई थी, क्योंकि उस्तादों की गायकी पर लिपसिंग करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सुरेंद्र नाथ ने इसे इतनी खूबी से किया कि जब के आसिफ बिग बजट वाली अपनी ड्रीम फिल्म बना रहे थे मुगले आजम, तो उसमें भी तानसेन की भूमिका के लिए सुरेंद्र को ही चुना गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ एक अभिनेता थे, तो मैं कहूँगी कि वो एक उम्दा अभिनेता तो थे ही, एक बेहतरीन गायक भी थे, जिन्हें बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का केएल सहगल कहा जाता था। और ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। हम और तुम और ये खुशी, ये बहे ये दिल लगी, छिटकी हुई है चांदनी, याद आ रहे हैं गुजरे हुए। यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे, दुनिया हाय दुनिया नहीं पता ये सजनी। सुरेंद्र नाथ BA LLB, जी हाँ, वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने फिल्मों का रुख किया था। और उनके पिता, जो उनके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि फिल्मों में उनका पूरा नाम दिया जाएगा, पर आज भी लोग उन्हें सुरेंद्र के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने बाद के दौर में चरित्र भूमिकाएँ भी की, और बहुत से लोग शायद उन्हें बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट ही जानते हों, मगर वो अपने ज़माने के स्टार थे। 11 नवंबर 1910 को पंजाब के बटाला में जन्म हुआ सुरेंद्र नाथ का। अंबाला की पंजाब यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री लेने के बाद वो वकालत करने की तैयारी में थे कि दिल्ली के एक बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की नज़र उन पर पड़ी, और उन्होंने सुरेंद्र नाथ की आंखों को एक नया सपना दे दिया, फिल्मों में काम करने का सपना। उस समय की फिल्मों में काम करने के लिए दो मुख्य क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती थी, और वो दोनों सुरेंद्र नाथ के पास थी। पहली अच्छी शक्ल सूरत और दूसरी सुरीली आवाज़। वो अपने कॉलेज के दिनों में स्टेज पर गाया करते थे और इतना अच्छा गाते थे कि पूरे कॉलेज के वो चहेते गायक थे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर रहा भी होगा तो दोस्तों के प्रोत्साहन से दूर हो गया, और फिर वो पंजाब छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने महबूब खान से मुलाकात की, जो उस समय सागर मूवी टोन के साथ काम कर रहे थे, और फिर 1936 की फिल्म डकन क्वीन में सुरेंद्र पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। इस फिल्म में सुरेंद्र का गाया एक गाना बहुत मशहूर हुआ, ये गाना सैगल साहब की फिल्म देवदास के गाने बालम आए बसो मोरे मन में की धुन पर ही बनाया गया था। आलम आए बसो मोरे मन में। दरअसल देवदास के बाद से कलकत्ता में केएल सहगल की धूम मची थी, और सुरेंद्र का मुंबई की फिल्मी दुनिया में पदार्पण ठीक उसी वक्त में हुआ। उनकी सिंगिंग स्किल्स और खूबसूरत चेहरे ने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में केएल सहगल की कमी को पूरा किया, और फिर बॉम्बे फिल्म मेकर्स उन्हें केएल सहगल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखने लगे। उस वक्त कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से कंपेटिटर थे। अक्सर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर कोलकाता के कलाकारों को लुभावने ऑफर्स दिया करते थे, और बहुत से लोग उस समय कोलकाता से मुंबई पहुंचे भी थे। जब देवदास को अपार सफलता मिली तो महबूब खान के मन में भी उसी तरह की एक फिल्म बनाने का ख्याल आया, और अच्छी बात यह थी कि अब उनके पास एक वैसी आवाज़ भी थी जो केएल सहगल जैसे गायक को टक्कर दे सकती थी। तो उन्होंने सुरेंद्र को लेकर बनाई मनमोहन, जिसकी कहानी पटकथा और संवाद लिखे जिया सरहदी ने। ये फिल्म सुपरहिट रही, और इसके बाद सुरेंद्र को गरीबों का देवदास कहा जाने लगा। ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। 1936 में ही सागर मूवी टोन की एक और फिल्म आई ग्राम कन्या। इन तीनों फिल्मों की कामयाबी ने सुरेंद्र को बतौर सिंगर एक्टर पूरी तरह बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया।
1937 की जागीरदार भी हिट रही, मगर 1938 में आई ग्रामोफोन सिंगर बहुत पसंद की गई। इस फिल्म में उनके साथ थी बिब्बो। इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि बाद में कई फिल्मों में इस जोड़ी को दोहराया गया। सुरेंद्र ने अपने काबिलियत से ये साबित किया कि वो सिर्फ KL सहगल की परछाई नहीं है, उनकी अपनी पहचान है जो आने वाली फिल्मों में और भी ज्यादा मजबूत हुई। महबूब खान ने जब नेशनल स्टूडियोज के लिए औरत फिल्म बनाई तो उसमें सुरेंद्र ने बड़े बेटे की भूमिका की थी। आपको याद दिला दूं कि औरत वही फिल्म है जिसकी कहानी को महबूब खान ने दोबारा बनाया मदर इंडिया के नाम से। जो भूमिका मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार ने निभाई थी वही रोल औरत में सुरेंद्र ने किया था। चालीस में किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घोड़े से गिर गए और उन्हें काफी चोट आई, जिसकी वजह से वो काफी समय तक शूट नहीं कर पाए और ये अफवाह फैलने लगी कि अब वो किसी फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे, मगर उनके प्रशंसकों की दुआएं थी कि वो एकदम ठीक होकर वापस लौटे। महबूब खान ने सुरेंद्र को पहला मौका दिया था जब सागर मूवी टोन और जर्नल फिल्म्स का मर्जर हुआ और नेशनल स्टूडियोज की नींव पड़ी, तो उसकी दो फिल्मों में सुरेंद्र ने महबूब खान के निर्देशन में काम किया, 1940 की औरत और 1940 में ही आई अली बाबा। जब महबूब खान ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया तो उसकी पहली सुपरहिट फिल्म भी वो थी जिसमें सुरेंद्र ने अभिनय किया था और उस फिल्म को कोई नहीं भूला होगा, अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी में तीन म्यूजिकल स्टार्स थे, सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया। फिल्म की कहानी सुरेंद्र को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी, मगर किसी गलतफहमी की वजह से बाद में महबूब खान किसी और हीरो को तलाशने में जुट गए। लेकिन कोई भी जब उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो फरदून ईरानी ने दोनों का पैचअप कराया और तब जाकर अनमोल घड़ी बन पाई। इसके बाद आई ऐलान और अनोखी अदा उतना कमाल नहीं दिखा पाई, मगर अनमोल घड़ी उनकी सबसे यादगार म्यूजिकल फिल्म थी जिसका हर एक गाना लाजवाब है। अब कौन है मेरा कबाब, कौन है मेरा, और याद है तकदीर ने लूटा है बसेरा। सुरेंद्र ने जिन दिनों काम शुरू किया था स्टूडियो सिस्टम हुआ करता था, मगर उनकी फिल्मों पर नजर डालें तो उन्होंने 40 के दशक में अलग अलग स्टूडियोज और फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया। 1943 की पैगाम अमर पिक्चर्स के बैनर तले बनी, विश्वकन्या रंजीत स्टूडियो की फिल्म थी, विश्वास वाडिया मूवी टोन की और लाल हवेली बॉम्बे सिनेटोन की, भट्टहरी नवीन पिक्चर्स ने बनाई थी और मझधार मिनर्वा मूवी टोन की फिल्म थी। महबूब खान ने जब महबूब प्रोडक्शन बनाया शायद उसी दौरान सुरेंद्र ने भी बतौर फ्रीलांसर काम करना शुरू कर दिया था। 50 का दशक आते आते सुरेंद्र ने मैच्योर रोल्स करने शुरू कर दिए थे। संगीत मेरी जागीर नहीं है मगर मेरी जिंदगी जरूर है। बैजू बावरा, गवैया जैसी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो मिड 50s तक वो हीरो हीरोइन के पिता की भूमिका में नजर आने लगे थे। दिल दे के देखो, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, मिलन, सरस्वती चंद्र, दाग, 36 घंटे जैसी फिल्मों में वो चरित्र भूमिकाओं में नजर आए। मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, जिससे ब्याह होगा उसे यहीं रहना होगा। उनकी आखिरी फिल्म थी 1977 में आई अभी तो जी लें। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फिल्में छोड़ने के बाद सुरेंद्र ने अपनी एड एजेंसी शुरू की सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शंस के नाम से। बाद में उसका नाम दो बार बदला, पहले JK एडवर्टाइजमेंट, फिर हो गया फार प्रोडक्शंस। उनकी शादी 1945 में हुई थी लेखक तिलक ऋषि की बहन सत्य ऋषि से। उनके चार बच्चे हुए, सुनीता, जीतेंद्र, कैलाश और रोहिणी। दूरदर्शन पर जो अलग अलग भाषाओं में मिले सुर मेरा तुम्हारा का फर्स्ट वर्जन आया था वो उनके बेटे कैलाश सुरेंद्रनाथ ने ही बनाया था। 11 सितंबर 1987 को सुरेंद्र ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आज शायद उनके बारे में कोई ना जानता हो, लेकिन क्या उनके गाए वो नगमे भुलाए जा सकते हैं? और जब तक वो नगमे गुनगुनाए जाते रहेंगे तब तक सुरेंद्र भी लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे।
दिल का साज बजाए जा, गुलजार में तेरे नगमे हैं, मिजराब उसी पे लगाए जा।